हाय फ्रेंड, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं अम्ब्रेला कट में कुर्ती, जिसमें मैंने लिया 3 मीटर कपड़ा, जिसको 4 फोल्ड में फोल्ड किया है मैंने। हम करेंगे इसकी चोली कटिंग, आप नपिंग करेंगे। मैंने इसका मुड्डा 6 इंच का लिया है, 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच तिरछा कर रख कर इसको निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम अपनी फिटिंग के हिसाब से नपिंग करेंगे चेस्ट की। मैंने जो चेस्ट का निशान लिया है वो 17 है, उस पर हमने निशान लगा देना है। मैंने यहाँ इसकी लंबाई 14 रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 14 इंच नपिंग करके अब हमें इसकी निशान लगा देना है, जहाँ तक हमें कट करनी है। अब हमें इसके फिटिंग का निशान लगाना। मैंने ये 14 इंच फिटिंग का निशान लगा लिया है। हम 1.5 इंच मुड्डे की गोलाई के लिए लेंगे, निशान लगाकर 1.5 इंच पर हम गोलाई मुड्डे की कर देंगे। ये हमारी मुड्डे की गोलाई हो चुकी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े में निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का मार्जिन के लिए। ये हमने एक्स्ट्रा निशान लगा लिए कटिंग के लिए। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हमें अस्तर पर रखकर कटिंग कर लेनी है। ये हमारी अस्तर की कटिंग हो रही है। ये हमारी कटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। मुझे इसका गला थोड़ा बड़ा रखना है, इसलिए मैंने इसको 3.5 इंच पर निशान लगाया है। ये हमारा कंप्लीट जब होगा तो 4 इंच पर आ जाएगा, क्योंकि मुझे चौड़ा गला बनाना है इसका। नीचे को आप कितनी भी गहराई रख सकते हैं, मैंने 7 इंच रखी है। ये हमारा गला कटकर रेडी है।
इस पर इस तरीके से इसको अस्तर को रखकर ज्वाइंट कर लेना है। अब हम इसकी घेरे की कटिंग करेंगे। ये मैंने 14 इंच ऊपर निकाल कर इसकी लेंथ रखी 37। अब हम इसके निशान लगाते चले जाएंगे। गोलाई से आप अपने हिसाब से निशान इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें निशान लगा लेने कट करने के लिए। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अपने निशान पर। ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब हमें ये सिलाई शुरू कर देनी है। पहले हमें गले को कंप्लीट करना है। अस्तर को और जोड़ जोड़ को रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है गले पर। दूसरे पर भी ऐसे ही करना है। बैक गला और फ्रंट दोनों को ही बना लेने हैं। ये हमारा गला कंप्लीट है बनकर। अब हमें इसकी फिटिंग के निशान लगा लेने हैं। अपने रिकॉर्डिंग फिटिंग के निशान लगा लेने हैं इसको। और इसमें 1 इंच का छोड़ देना है क्योंकि हमें इसमें घूम भी अटैच करने हैं। 1 इंच छोड़कर उस पर पक्का करके निशान वो कर लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड रखकर लगा लेनी है। अब हम इसके घूम भरेंगे। ये हमारी चोली के और घूमों को मिलाकर दोनों को रखकर सिलाई लगा लेनी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ये हमारी तैयार होने वाली है। सिलने के बाद में इस तरीके